नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, भारत की लाइफलाइन यानी भारत की जीवन रेखा के नाम से फेमस इंडियन रेलवे का इतिहास जितना पुराना है उतना ही दिलचस्प भी। 168 साल पुराने इंडियन रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। भारत में रेल व्यवस्था के निर्माण का प्रस्ताव ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने रखा था। इस वीडियो में आपको बेहद दिलचस्प जानकारी मिलने वाली है जिसे जानकर आप हैरान होंगे, आपको इंडियन रेलवे पर गर्व होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देश की पहली ट्रेन 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी को बंबई के बोरी बंदर रेलवे स्टेशन, अब जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर दोपहर 3:35 पर चलाई गई थी, जो कि 4:45 पर ठाणे स्टेशन पहुंची थी। रेलवे के इतिहास में भारत की इस पहली ट्रेन में 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। आपको बता दें कि देश की इस पहली ट्रेन को भाप के इंजन के जरिए चलाया गया था, जिसे पानी और कोयले की ज़रूरत पड़ती थी। देश की इस पहली ट्रेन को ब्रिटेन से मंगवाए गए भाप के तीन इंजनों सुल्तान, सिंधु और साहिब ने खींचा था। इस ट्रेन में कुल 20 डिब्बे थे। जिस रेलवे लाइन पर देश की यह पहली ट्रेन चली थी, उस रेल लाइन को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी ने बिछाया था। इस रेल कंपनी की स्थापना सन 1845 में ही कलकत्ता में हो चुकी थी। जिस रेलवे लाइन पर यह देश की पहली ट्रेन चली, उस रेलवे लाइन को बिछाने का काम सन 1850 ईस्वी में इसी कंपनी ने शुरू किया था। भारत में पहली बार सन 1856 ईस्वी में भाप के इंजन बनना शुरू हुए थे और आज भारतीय रेलवे ने भाप के इंजन से लेकर डीजल इंजन और हाई स्पीड वाले विद्युत इंजन तक का सफर तय किया। 1947 में भारत में ब्रिटिश राज का अंत हो गया, लेकिन देश दो भागों में विभाजित हो गया। इसका प्रभाव इंडियन रेलवे पर भी पड़ा, क्योंकि नवनिर्मित 40% से अधिक रेल नेटवर्क पाकिस्तान में चला गया। आज़ादी के 4 साल बाद सन 1951 में इंडियन रेलवे का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच पहली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस सन 1976 में अमृतसर और लाहौर के बीच चलना शुरू हुई थी। सन 1954 में रेलवे ने 3-टायर रेलवे कोच में स्लीपर सीट यानी कि सोने की सुविधा को शुरू किया था। दोस्तों, ये बात जानकर के शायद आपको आश्चर्य होगा कि सन 1909 के पहले ट्रेन में टॉयलेट नहीं होते थे। सन 1909 में यात्रियों के लिए पहली बार ट्रेन में टॉयलेट की सुविधा शुरू की गई थी। पश्चिम बंगाल के एक यात्री ओखिल चंद्र सेन ने रेलवे को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी और वो टॉयलेट करने के लिए चले गए थे, इसी दौरान ट्रेन उन्हें छोड़कर चली गई। रेलवे ने इनकी शिकायत पर सुनवाई की और इनकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ट्रेन के सभी डिब्बों में टॉयलेट की सुविधा शुरू की। सबसे पहले प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट क्लास के डिब्बों में इस सुविधा को जोड़ा गया था। इंडियन रेलवे के नाम कई तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। इस समय विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाब नदी पर है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर यानी 1178 फीट है। यह पुल फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इस समय भारत में लगभग 1,15,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का जाल फैला हुआ है। इंडियन रेलवे अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इंडियन रेलवे दुनिया का 9वां सबसे अधिक रोजगार देने वाला विभाग भी है। भारतीय ट्रेनों में प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ लोग हर समय ट्रेन में यात्रा करते हैं। मतलब जितनी पूरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है, उतने लोग भारत की ट्रेनों में हमेशा यात्रा करते रहते हैं। भारत में छोटे बड़े कुल मिलाकर 7,500 रेलवे स्टेशन हैं। नवाबों का शहर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन अन्य सभी रेलवे स्टेशन से बिल्कुल अलग है। ये अपनी बेहतरीन खूबसूरती के लिए जाना जाता है। विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का रिकॉर्ड भी इंडियन रेलवे के पास ही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 1,366.33 मीटर है, जो कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। और विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में स्थित है। इसके साथ ही भारत का ऐतिहासिक शहर और भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली का मुख्य रेलवे स्टेशन दुनिया के सबसे बड़े रेल रूट इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होती है और तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी तक जाती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।